बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। जिन लोगों को बादी, बवासीर, खांसी, दमा या गठिया हो, उनके लिए मेथी ग़िज़ा भी है और दवा भी। जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती हो, वह हल्की आंच पर मेथी दो चार हरी मिर्चों के साथ पकाकर खाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। मैदे और आंतों के मरीज़, अगर सुबह के वक्त एक गिलास ताज़ा पानी में एक खाने का चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए तो ये मैदे और आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन है और इससे मैदे और आंतों की खराबियां बाहर निकल जाती हैं। जिन लोगों की आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, उनके लिए नींबू का रस अक्सर है। जिस्म में खून की कमी, जिस्म में खून की कमी से रंग पीला पड़ जाता है, काम करने की सलाहियत भी कम हो जाती है, बार बार थकावट का एहसास होता है, सर और टांगों में दर्द रहता है और तबीयत में सुस्ती गालिब आ जाती है। इस सूरत में ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिसमें आयरन और विटामिन सी वाफर मकदार में हो, मसलन खुबानी, आम, सेब, नींबू और पालक वगैरह।